दोस्तों नमस्कार, संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। दिन है सोमवार का, सुबह के 8:30 बजे हैं और 24 तारीख 24 जून 2024। तो आज हम आप लोगों से बहुत ही एंड्रॉयड की सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन जीमेल के विषय में बात करेंगे। जीमेल एक ऐसा प्रकरण है जो कि मेल हम कहीं ना कहीं हमें मेल करनी पड़ती है। अलग अलग प्रकार के मेल क्लाइंट होते हैं, जैसे आउटलुक का भी एक मेल क्लाइंट है, उसी प्रकार से सैमसंग का एक मेल क्लाइंट है, वैसे गूगल का खुद का जीमेल मेल क्लाइंट होता है। तो जीमेल जो है, आप इसमें जितने भी अकाउंट एक्सेस कर सकते हो अपने फ़ोन में, अगर 7-8 अकाउंट आपने एक्सेस करके, तो जीमेल से के ज़रिए उन सभी अकाउंट्स तक आप अपनी जो है पहुंच बना सकते हैं। जीमेल के अंदर दो टैब दिए जाते हैं, मीट, गूगल मीट टैब के विषय में पहले बात कर चुका हूं। आज हम जीमेल पर कुछ चीज़ों को समझेंगे कि जीमेल दरअसल किस तरह से यूज़ की जाती है। ये बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है, लेकिन आए दिन ग्रुप्स में इसके मैसेज आते रहते हैं कि सर अटैच कैसे करेंगे या जो भी। तो चलिए आज इसको सीखेंगे। वैसे दो चार आजकल एक डेल्टा चैट करके एक एप्लीकेशन आई है, जिसके थ्रू भी आप जो है मेल वेल कर सकते हैं व्हाट्सएप की तरह, लेकिन वो ऑफिशियल ऐप नहीं है, वो एक दूसरा ऐप है। बल्कि जीमेल जो है हमारा खुद का ऑफिशियल गूगल का ऐप है। चलिए शुरू करते हैं। जीमेल को ओपन जैसे हम करते हैं, हमारे पास सबसे पहले ईमेल खुल जाती है, मतलब सबसे पहले हमारे पास इनबॉक्स खुलता है। जैसे इंपॉर्टेंट मोंट नोटिफिकेशन वेरीफाई ईमेल एड्रेस मोंट इनकॉर्पोरेटेड अंडर देयर इज एन एआई फॉर दैट एआई एनहांस्ड सर्च इंजंस टू ट्राई, सारे ईमेल के मैसेजेस हैं, ठीक है। अब हम ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं, ओपन नेविगेशन, पहला है ओपन नेविगेशन ड्रॉअर, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसके अंदर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो इनबॉक्सेस, ऑल इनबॉक्सेस, जितने भी इनबॉक्सेस है सारे दिखाई देंगे। इनबॉक्स 99+, इनबॉक्स में 99 से भी अधिक मेल है। ऑल लेबल्स, लेबल, अब लेबल की बात करते हैं। स्टार्ट थ्री, स्नूज्ड, कोई भी मैसेज जो है आपको नहीं पसंद है, बार बार वो आपको परेशान कर रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो उसे स्नूज किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट 46, इम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसे मैसेज जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे आपके ईमेल का पासवर्ड रिकवरी कर रहे हैं, या फिर किसी संस्था से आपने कोई चीज़ परचेज की है, या फिर ऐसे ईमेल जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो वो इम्पोर्टेंट अपने आप ही ये डिटेक्ट करता है कि कौन से ईमेल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से सेंट, ये है सेंट, आपने जो जो ईमेल भेजे हैं अब तक। शेड्यूल, शेड्यूल, आप ऐसे ईमेल भी बना सकते हैं जो ईमेल को शेड्यूल किया जाए, मतलब आप शेड्यूल कर दें कि भाई इतने बजे ईमेल सबके पास पहुंच जाना चाहिए, जैसे यूट्यूब में होता है ना, इतने बजे ये वीडियो जो है आपको प्रकाशित हो जाएगा। आउटबॉक्स, ये है आउटबॉक्स, आउटबॉक्स में वे मेल होते हैं जो किसी कारणवश फेल हो जाते हैं, आपके जिन संबंधित व्यक्ति को आप भेज रहे हैं तो उनके पास अगर ईमेल उनका सही नहीं है, या फिर आपने ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया, या नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मेल जो है नहीं पहुंचेगा, वो आउटबॉक्स में आ जाएगा। ड्राफ्ट 24, ये है ड्राफ्ट, ऐसे ईमेल जहां पर आपने लिखना शुरू किया और फिर से छोड़ दिया, कुछ लिखा नहीं, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं, आगे नहीं भेजा। ऑल मेल 99+, ये ऑल मेल जितने भी मेल हैं इस इनबॉक्स के सारे आएंगे यहां पर। स्पैम 2, ये स्पैम, कुछ ऐसे ईमेल जिसे ये स्पैम डिटेक्ट करता है, उनमें से कुछ प्रमोशनल ईमेल भी होते हैं और कुछ स्पैम भी होते हैं, जो कि हो सकता है थोड़ा गड़बड़ वाले ईमेल हो, तो ये गूगल से डिटेक्ट करके स्पैम में डाल देता है। ये है बिन, ऐसे ईमेल जो आपने डिलीट किए हैं। जीमेल, ये जीमेल। इमैप सेंट, इमैप सेंट, IMAP फॉर्मेट होता है, उसमें सेंड होते हैं जो। डेल्टा चैट, ये डेल्टा चैट है, डेल्टा चैट जो एक नया ऑप्शन है। जंक, ये जंक ईमेल है। नोट्स, ये नोट्स है। पर्सनल, ये पर्सनल ईमेल है। रिसीट्स, ये रिसीट्स, जो ईमेल की रिसीप्ट आपके पास पहुँचती है। गूगल एप्स, ये है गूगल एप्स। कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, सेटिंग्स, हेल्प एंड फीडबैक। तो सेटिंग्स में क्या है देखते हैं, चलिए। सेटिंग्स, सबसे पहले जनरल सेटिंग्स, जनरल सेटिंग होगी। सोनू शर्मा 9, फिर आपके जितने भी अकाउंट होंगे सबकी सेटिंग अलग अलग होगी। जैसे जनरल सेटिंग देख लेते हैं अपन, जैसे जनरल सेटिंग आप खोलोगे तो देखो थीम सिस्टम डिफॉल्ट, ये थीम जो है इसकी डिफॉल्ट है, जो सिस्टम मतलब कि मैंने ब्लैक डार्क कर रखा है तो डार्क थीम होगी, नहीं तो लाइट भी कर सकते हो। डिफॉल्ट नोटिफिकेशन एक्शन आर्काइव, अब नोटिफिकेशन का क्या आप रखना चाहते हो, चालू या बंद। मैनेज नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन कैसे मैनेज करेंगे आप। कॉन्वर्सेशन व्यू ग्रुप ईमेल्स इन द सेम कॉन्वर्सेशन फॉर रिमैप ऑफ फ्री एंड एक्सचेंज अकाउंट्स, टिक टिक बॉक्स,
Conversation list density default. Hide bottom navigation on scroll tick tick box. Swipe actions configure swipe actions to quickly act on emails in the conversation list. Default reply action choose your default reply action. आपके default reply का action. Auto fit messages shrink messages to fit the screen tick tick box. Auto advance show conversation list after you archive or delete. Confirm before deleting not tick tick box. आपका कोई मेल जैसे डिलीट कर, ये आप समझ रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कंफर्म बिफोर सेंडिंग नॉट टिक टिक बॉक्स, ये सारे कुछ ऑप्शन आपको मिल जाए। बाकी अलग अलग ईमेल के अलग अलग ऑप्शन होते हैं, उनको कोई देखने की जरूरत नहीं, वो आप खुद ही देख लेंगे। ओपन नेविगेशन ड्रॉ बटन, ये है ओपन नेविगेशन ड्रॉ, देख लिया। साइन इन एस एस डॉट के नेटवर्क, अब साइन इन हमारा ये अकाउंट है, अकाउंट एंड सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पर आपके अकाउंट की अकाउंट बटन, स्टोरेज यूज, टेक्नो विद फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अकाउंट्स होंगे आपके। तो चलिए अब हम बात करते हैं और कुछ बटन्स की। जैसे सबसे पहले नीचे जो होता है सिलेक्टेड मेल मोर, ये मेल मोर है, मीट टैब, ये टैब है मीट। तो हम एक ईमेल को खोलते हैं, इस ईमेल को खोल लेते हैं। AI enhanced search, ये हमने ईमेल खोला। अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाते हैं ऊपर, ये देखेंगे। नेविगेट अप बटन, आर्काइव बटन, आर्काइव, इस मेल को आप छिपा सकते हैं। डिलीट बटन, इस मेल को यहीं से डिलीट किया जा सकता है। मार्क एज अनरेड बटन, इसको अनरेड मार्क कर सकते हो आप। मोर ऑप्शंस बटन, और मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन में क्या क्या होता है, स्नूज, इसे स्नूज कर दीजिए तो फिर ये ईमेल आपको बार बार नहीं पहचान। चेंज लेबल्स, इसका लेबल चेंज कर सकते हैं, ये जो ऊपर टिक लगा हुआ है। मार्क एज इंपॉर्टेंट, मार्क, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करोगे तो वो जो इंपॉर्टेंट अभी मैंने दिखाया था ना ऑप्शन, वहां पर ये मेल सेव हो जाएगा। म्यूट, म्यूट, इसे म्यूट किया जा सकता है। व्यू एंड लाइट थीम, व्यू एंड लाइट थीम, इस मैसेज को आप लाइट थीम में देख सकते हो। प्रिंट, प्रिंट निकाल सकते हो इसका। रिवर्ट ऑटोसाइजिंग, रिपोर्ट स्पैम, इसको स्पैम भी रिपोर्ट कर सकते हो आप। ऐड टू टास्क, ऐड टू टास्क, हेल्प एंड फीडबैक, हेल्प एंड फीडबैक, ये ऑप्शन आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए इसको बैक करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैसेज, हमने ये सब कुछ देख लिया लेकिन हम कंपोज कैसे करेंगे ईमेल को। तो चलिए कंपोज बटन विंडो में, यहाँ पर इसके पास में जहाँ पर व्हाट्सएप में सेंड बटन होता है, थोड़ा ऊपर यहाँ पर कंपोज का ऑप्शन होता है, ठीक है। कंपोज के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो आपको दिखाएंगे बाद में। और किसी भी ईमेल को कैसे, किसी भी आप कोई भी नोट को या किसी को भी ईमेल में कैसे शेयर कर सकते हैं वो भी समझेंगे। ओपन नेविगेशन ड्रॉ बटन, इनबॉक्स, अनरेड फ्लिप, देयर इज एन एआई, खूब सारे मैसेज, जैसे अभी हम अनरेड फ्लिपकार्ट पेरेंट्स, फ्लिपकार्ट के मैसेज को सेलेक्ट करते हैं। शो टूलबार, मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया। नेविगेट अप टू सेलेक्ट द बल्क एक्शन, सेलेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स, कुछ टूलबार खुला है और नीचे भी कुछ ऑप्शन है। देखिए रिसेंट्स बटन, विंडो नेविगेशन बार, कॉम बटन, देखिए नहीं यहां से नहीं, ऊपर से देखिए। एक्रोबैट, एक्सेस टू एक्रोबैट एआई असिस्टेंट, अब देखिए क्या क्या ऑप्शन है यहां पर। डन बटन, वन वन, एक क्योंकि हमने एक ईमेल सेलेक्ट किया है। कंपोज बटन, कंपोज, आर्काइव बटन, आर्काइव कर सकते हो। डिलीट बटन, इसको यहीं से डिलीट कर सकते हो, क्योंकि हमने लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट कर लिया, इसलिए आपको ईमेल खोलने की जरूरत नहीं है बाहर से। मार्क एज रेड बटन, मार्क एज रेड, इसको रेड मार्क कर, और मोर ऑप्शन यहां पर क्या क्या होंगे। स्नूज, स्नूज, चेंज लेबल्स, ऐड स्टार, मार्क एज इंपोर्ट, म्यूट, रिपोर्ट स्पैम, कोलैप्स बटन, विंडो सैमसंग कैप्चर। तो ये कुछ कर सकते हो, ये आप समझ गए होंगे। सिलेक्टेड अनरेड फ्लिपकार्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स आर मीटिंग टुडे टू डिस्कस व्हाट्स इनसाइड, वी होप यू एंजॉय ईमेल्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट। अब जैसे अपन को ईमेल डिलीट करना है तो बस आर्काइव बटन, डिलीट बटन, डिलीट कर देंगे। सर्च इन ईमेल्स एडिट बॉक्स, डिलीट कर दिया हमने। अब एक अगला ईमेल हम और लेते हैं। अनरेड गूगल लोकेशन हिस्ट्री, कीप योर अनरेड अडोब एक्रोबैट अनलिमिटेड एक्सेस टू एक्रोबैट एआई असिस्टेंट अंटिल 20। देखिए नीचे एक ऑप्शन और भी है, अनरेड देयर इज अंडू, इस ईमेल को अंडू भी किया जा सकता है, जो कि सफेद कलर में दिख रहा है। अगर आपने ईमेल डिलीट कर दिया, इसको अंडू करना चाहते हो, इसमें डबल टैप कर दो, वापस वो ईमेल आ गई ऊपर जो हमने डिलीट की थी। देखिए इंपॉर्टेंट वोंट नोटिफाई, ये रहा अनरेड फ्लिपकार्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स आर मीटिंग टुडे टू डिस्कस व्हाट्स इनसाइड। अब हम समझते हैं कंपोज का क्या अर्थ है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और कंपोज को समझते हैं। देयर इज एन एआई अनरेड गूगल लोकेशन, कंपोज बट आर्काइव, कंपोज पे क्लिक करते हैं। जीमेल, अब मैंने कंपोज पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन मेनू सोनुशर्मा 945 सोनू शर्मा के नाम से ईमेल जाएगी। एडिटिंग एडिट बॉक्स, एडिटिंग एडिट बॉक्स, सब्जेक्ट एडिट बॉक्स, ये सब्जेक्ट डालेंगे आप, और नेविगेट अप बटन, अटैच फाइल बटन, सेंड बटन, ये देखिए अटैच का बटन भी आपको यहां मिल जाता है, ठीक है। अटैच के बटन में आप कोई भी, जैसे जैसे अटैच पे क्लिक करोगे ना तो देखो कीबोर्ड हिडन, अब क्या आएगा, सिलेक्टेड इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव, इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव, इंसर्ट फोटो, इंसर्ट फोटो, दो ऑप्शन आपको, कोलैप्स बटन, विंडोज सिलेक्टेड, इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव, इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव, और इंसर्ट फोटो, दो ऑप्शन आपको यहां मिल जाएंगे, ठीक है। शोइंग इंग्लिश इंडिया वर्ड्स, चलिए आगे देखते हैं। कीबोर्ड हिडन, यहां पर बैक बटन,
कंपोज ईमेल एडिट बॉक्स, यहाँ पर ईमेल को कंपोज लिखने के लिए होता है बटन। सब्जेक्ट एडिट बॉक्स, सब्जेक्ट यहाँ डालेंगे टू, किसको भेजना है ये ईमेल, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ईमेल इसको, तो ये था, इसको हमने समझा कि किस तरह से किया जाता है। इसको हटा देते हैं, हटा दिया मैंने। अब हम इस मैसेज को ओपन करके और अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन, मैसेज को ओपन करने के बाद क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले ऊपर पेरेंट्स और टीचर, ऐड स्टार, यस्टरडे, शो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर फ्लिपकार्ट बटन, यहाँ पर आप इस फ्लिपकार्ट की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। टू मी, मुझे भेजा गया है। अनसब्सक्राइब बटन, अनसब्सक्राइब, आपको लगता है कि ये फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन अच्छे नहीं, मेल नहीं आने चाहिए, तो इसको अनसब्सक्राइब कर देंगे हम। अनसब्सक्राइब, ये लीजिए, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। मैनेज सब्सक्रिप्शंस, रिप्लाई बटन, ठीक है। यू अनसब्सक्राइब फ्रॉम नो डैश रिप्लाई एट ncp.flipkart, रिपोर्ट स्पैम बटन, मोर इन्फॉर्मेशन बटन, अटैच फाइल बटन, मोर इन्फॉर्मेशन, अटैच फाइल बटन, रिप्लाई बटन, रिप्लाई बटन, फॉरवर्ड बटन, पेरेंट्स एंड टीचर्स, यहां पर फॉरवर्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, शोइंग टूल बार फॉर वर्क एक्शंस। अब आपको भविष्य में इसके कोई ईमेल नहीं आएंगे, ठीक है, तो हमने अनसब्सक्राइब कर दिया। तो ये है तरीका मैसेज को पूरा पढ़ने का। अब हम आगे चलते हैं। अंडर गूगल लोकेशन हिस्ट्री कीप योर टाइमलाइन, अंडर अडोब एक्रोबैट अनलिमिटेड एक्सेस टू एक्रोबैट एआई असिस्टेंट अंटिल 28, अंडर डिस्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स टू योर डिस्क्रिप्ट प्लान, हियर इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट चेंजेस टू योर फ्री प्लान, ऑन टूलबार फॉर बल्क एक्शंस हिडन। ये देखिए, जी एक ईमेल है, 3 डेज अगो, तीन दिनों पहले एक्रोबैट ग्राफिक, ये देखिए, इट्स टाइम टू सेव टाइम, ये Adobe Acrobat का पूरा मैसेज है। आप इसे पूरा सेव टाइम एंड सिंपलीफाई योर वर्कफ्लो अक्रॉस मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स विद Acrobat पूरा मैसेज पढ़ सकते हैं ना आप, जैसे सेव टाइम, इसमें वेब व्यू, कुछ नहीं इधर गर्मी मर रहे हैं, शोइंग टूल बार फॉर Adobe Acrobat, खोलते हैं और भी कुछ समझते हैं इसके लिए। डिलीट, मार्क, मोर, नीड, कट, ड्रॉ बटन, सेल्फ, पॉज बटन, स्टॉप, यहाँ पर नीचे चलते जाओ चलते जाओ, तो इसमें फॉरवर्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। ईमेल आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हो आप कहीं करना चाहो तो। ये देखिए, बहुत बड़ा लेटर लिखा है इन्होंने, बहुत बड़ा सारा मैसेज है। आप स्क्रॉल करते जाओ और देखो, अब नीचे रिप्लाई बटन, रिप्लाई, फॉरवर्ड बटन, फॉरवर्ड का बटन आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से आप इस मैसेज को सीधा फॉरवर्ड कर सकेंगे। ठीक है, अटैच फाइल बटन, और यहाँ नीचे भी अटैच का बटन है, रिप्लाई बटन टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इस तरह से आप ऐसे यूज कर सकते हो। डिलीट करने का तरीका मैंने आपको बताया है, आप ईमेल एक साथ कई ईमेल्स को डिलीट कर सकते हो, 50 ईमेल एक साथ डिलीट किए जा सकते हैं, पहले ऐसा फंक्शन नहीं था। तो ये है, और इसके अलावा, और अब चलिए, अब हमने ये सीखा, अब हम सीखते हैं कि किसी भी, हमें अगर शेयर करना है ईमेल के जरिए तो कैसे करेंगे। चलो, हम व्हाट्सएप पर चलते हैं, और बटन टेक कंपटीशन 2020 बटन प्लस 91, कोई भी मैसेज को हम फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं बटन, जैसे मैं एक मेरे ही चैट पे चलता हूँ, बटन मेरा ही चैट है, इस पर से कोई मैसेज हम, हाँ ये मैसेज है, इस एस के शर्मा, इस मैसेज को मुझे शेयर करना है, पॉप अप विंडो, ये मैंने यहाँ से व्हाट्सएप से शेयर किया है। अब देखिएगा, 1 रिप्लाई, डिलीट, फॉरवर्ड, मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन पे चलेंगे, पॉप अप, शेयर, शेयर पे चलेंगे, व्हाट्सएप शेयर। अब हम सीधे ऐसे जीमेल पे शेयर करेंगे, जीशान ब्लाइंड टेलीग्राम, एंड्रॉइड वर्ल्ड, व्हाट्सएप, क्लोनी एआई, ढूंढेंगे जीमेल कहाँ है, क्लोनी एआई, व्हाट्सएप, एक मिनट देखो, एस विक व्हाट 13 जून आपको करके दिखाता हूँ शेयर, एस विक व्हाट मो 13 सेलेक्ट किया, पॉप अप मैसेज को फिर से एक बार, अब देखिए, प्ले बटन 1% 7 सेकंड्स फॉरवर्ड टू बटन, ये देखिए 14 अनलेबल, एक मिनट, बैक बट 1 रिप्लाई, फॉरवर्ड, मोर ऑप्शन, कोलैब, मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन में जाएंगे, पॉप अप विंडो, शेयर, स्टार, शेयर, शेयर करेंगे, शेयर, ध्यान से शेयर करेंगे, वो आजकल क्या है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, टेल मैसेज, वॉइस, ईमेल ढूंढते हैं, फाइंड मोर, कोलैब, मोर विंडो, शेयर आ गया, मोर, मोर में जीमेल मिलेगा पक्का, जीमेल, ये रखा जीमेल, देखिए मिल गया। अब डबल टैप करता हूँ मैं जीमेल, अब मैंने जीमेल पर डबल टैप किया है, यहाँ पर हमारी फाइल, ऑडियो फ्रॉम टेक्नो विद फ्रेंड्स, एडिट बॉक्स, सब्जेक्ट भी लिखा गया इसमें, ड्रॉप डाउन मेन्यू टेक्नो विद, ये देखिए एडिटिंग एडिट बॉक्स, ठीक है। अब हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू टेक्नो विद फ्रेंड्स एट जीमेल डॉट कॉम, ये ईमेल जो है टेक्नो विद फ्रेंड्स जीमेल डॉट कॉम पे है, और हमें किसको भेजना है, नेविगेट अप बटन,
ड्रॉप डाउन में देखो एडिटिंग एडिट बॉक्स, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एडिट बॉक्स में, एक ईमेल लिख देता हूँ मैं किसी का भी, ए जीमेल ओके डिलीटेड एस सियरा पी पापा ओ ओ एन ए यू यू एस एस एच एच ए ए आर आर एम एम ए ए ठीक है ये देखिए सजेशन सोनू शर्मा 945 सोनू शर्मा हमारे ईमेल मिल गया, हमने ईमेल यहाँ पर देखिए यहाँ से ड्रॉप डाउन recipient sonu sharma 945@gmail.com और नीचे अगर मुझे editing edit box और मुझे किसी का और नाम लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ। चलिए अपन को कुछ भी नहीं लिखना, compose email edit box। अब यहाँ पर compose email, आपको कुछ email में संदेश देना उनको जिनको ये audio भेज रहे हो लेकिन हमें कोई संदेश नहीं देना, navigate up तो हम ऊपर चलेंगे, send button send कर देंगे, ये mail send हो जाएगा, keyboard hidden अब देखिए whatsapp वो mail वहाँ send हो जाएगा, अब आपको इसे देखना हो तो home button with चलते हैं अपन gmail में, gmail gmail में आ गए हैं और अभी important mount notification verify send under google location बस important mount notification verify आ जाएगा ईमेल, selected flipkart parents थोड़ा बैक करते हैं, toolbar for bulk action back button one ui home और देखेंगे जीमेल पे मेल आया क्या हमारा, ईमेल क्योंकि ऑडियो इसलिए थोड़ा बड़ा है इसलिए important mount notification आ गया, under important techno with friends audio from techno with friends ये देखिए techno with friends की तरफ से ऑडियो हमने भेजा जीमेल पर और ये ऑडियो यहाँ पर आ गया, ऑडियो ऑल टू जीरो सेव बटन सेव सेव टू ड्राइव बटन सेव टू ड्राइव, आप इसे ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं और चाहे तो इसे यहाँ से ऑडियो चला भी सकते हैं, ओपन विद अब किसके द्वारा ओपन करना YouTube, है यूट्यूब बैक ईमेल ठीक है ऐसे चलाया जा सकता है, तो आशा आप इसको समझ गए होंगे, ऑडियो ऑल टू जीरो टू 4061 चलिए हटा देते हैं इसको बैक बटन वन, इस तरह से आप जो है जीमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आपको बाहर से भी शेयर करके बता दिया और आप अपने इससे सीधा भी शेयर कर सकते हैं, ईमेल को कंपोज करना तो वैसे भी आसान है, बस वहाँ पर चैट पे कुछ भी लिखो और वो सामने वाले को चला जाएगा, सिंपल प्रोसेस है, जीमेल को इस तरह से यूज़ किया जाता है और भी जीमेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इच्छा होगी तो हम आगे की वीडियो में आपको ज़रूर बताएँगे। स्टॉप बटन विंडो